शिमला के खाद्य आपूर्ति विभाग के औचक निरीक्षण के दौरान दुकानदारों में उस समय हड़कंप मच गया जब अधिकारी ने दुकानों से नशीले पदार्थ जब्त किए। दरअसल खाद्य जांच अधिकारी को शिकायत मिली थी कि शिमला में दुकानदार अवैध रूप से तंबाकू व अन्य नशीले पदार्थों को बेच रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने इस दौरान शिमला में दुकानों पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान विभाग की टीम को पुराना बस स्टैंड के समीप हजारों की संख्या में बीड़ी और तंबाकू के पैकेट मिले। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी अशोक मंगला ने बताया कि उन्होंने रूटीन चेकअप के दौरान शिमला के पुराना बस स्टैंड में छापा मारा, जहां उन्होंने भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ दुकानदारों के पास पाए गए, जिसमें कि हजारों की तादाद में सिगरेट पाई गई जो कि अवैध तरीके से बाजार में बेची जा रही है, जिसके चलते नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। आज हमने अपने कुछ टीम चेकअप के दौरान थाना बस स्टैंड पे दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक दुकान पे भारी मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थ पाए गए, जिसमें हजारों की तादाद में वैसी सिगरेटें थी जिसके ऊपर वो पिक्टोरियल एक वार्निंग होती है जो उपभोक्ता को जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए कोड पे एक्ट के अधीन कंपल्सरी है वो वार्निंग होना। ये सारी सिगरेट सारी की सिगरेट की सप्लाई दो नंबर में मार्केट में आती है, जो जिसे आज हमने डेढ़ के दौरान पकड़ने में हमने सफलता हासिल की। और इसी के साथ हजारों की मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थ जैसे कि जर्दा और च्यूइंग टबैको पाए गए, ये हमने सैंपल लेके लेबोरेटरी को भेज रहे हैं। तरह की रेड मारने का उद्देश्य ये होता है कि ये जो प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थ हैं या जो ऐसी सिगरेट है जो दो नंबर से मार्केट में आती है जिसके ऊपर पिक्टोरियल वार्निंग नहीं होती, जर्दा है जो खाने वाले तंबाकू पदार्थ हैं जो कि पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा और हिमाचल सरकार द्वारा बेचना, रखना और उसको खरीदना प्रतिबंधित किया गया है, जिसके दौरान जो सजा है जो कि अनसेफ है, अगर आदमी उसको खाएगा जिसके खाने से आदमी को कैंसर होता है, इसलिए हिमाचल सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर रखा है। ये ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ दुकानदार उनको चोरी छुपे से बेचते हैं, तो ये गलत है। इस दुकानदारों के जिसके पास ये हजारों की मात्रा में ऐसे पाउच जो तंबाकू के पाए गए, उनके हम सैंपल लेके लेबोरेटरी को भेज रहे हैं टेस्टिंग के लिए। अगर उनके अंदर वो अनियमितता ही पाई गई तो उनके अगेंस्ट केस अदालत में पेश किए जाएंगे, जिसके मुताबिक उनको दो साल तक की सजा या उससे अधिक सजा भी हो सकती है और कुछ जुर्माना। आदर्श हिमाचल के लिए शिमला से प्रियंका चौहान की रिपोर्ट।